हाँ जी, तो आज हमारे साथ शिवानी है और शिवानी का जो दांत है वो जो है टूट गया था फ्रंट का। और भैया फ्रंट का दांत देखो, लड़कों को भी शर्म लगती है तो बेटियों के तो बहुत ज्यादा है ना, वो होता है कि फ्रंट का दांत नहीं है, खराब है। टूटा भी काफी हद तक टूट गया था, तो हमने इसमें पोस्ट एंड कोर करके, ठीक है, अंदर एक खुंटी डाली जाती है, इम्प्लांट नहीं खुंटी होती है, पोस्ट बोलते हैं, कोर, उसको बड़ा करके और फिर उसके ऊपर कैप लगाया है जो हमारा कैडकैम सिस्टम है उसका। अब बताओ शिवानी, जो कैप लगाए वो कैसा लगाए बताओ, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ। तुम्हारी तरह से बहुत सारी बच्चियां हैं जो दांत तोड़ के लाती हैं, हैं? तो उनको थोड़ा हिम्मत मिलेगी, हैं? हाँ बिंदास बोलो बढ़िया से। क्या बहुत अच्छा है, अब पता नहीं लग रहा कि मतलब पहले मतलब दूसरा था या ये अलग से लगाया है, सेम वही लग रहा है बिल्कुल। हाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। हाँ। फ्रंट के दांत में सबसे बड़ी जो चिंता डॉक्टर और मरीज दोनों की यही होती है कि मैचिंग आएगी कि नहीं आएगी, है ना। दांत देखने में सुंदर लगेगा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को देखा होगा कैप लगाए तो उनके कैप दूर से ही दिखाई देते हैं, पीले रंग के अजीब से, है ना। तो बहुत सारे लोगों के तो वो जो है ना वैसे बनते हैं, वो जो है लैब वगैरह बनते हैं ना, हमारे यहाँ तो मशीन लगी हुई है तो हम खुद डिजाइनिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, तुम्हारा जो बगल का दांत है ना वैसा ही कॉपी करके बना दिया है ना, तभी वो एक जैसा दिख रहा है, वैसा ही सीड बना दिया। तो ये सब संभव हो पाता है जब डॉक्टर के पास अपना सब कुछ इन हाउस सिस्टम होता है, इसलिए ये रिजल्ट आता है। बाकी डॉक्टरों पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता क्योंकि वो लैब में बनते हैं, तो लैब में जो बना रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता तुम्हारा बगल का दांत कैसा है, उन पे तो वो स्टोन का मॉडल पहुंचता है, उसी को देख करके वो बना देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना मुश्किल हो जाती है डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए भी। बढ़िया लगा दांत, सुंदर लग रहा है, जितना चाहते थे उतना सुंदर बनाए, बिल्कुल उम्मीद की थी कि इतना अच्छा बनेगा, नहीं की थी। चलो अब बढ़िया, आराम से खाओ चबाओ।